अच्छा ही मिल रहा है, आप अगर आप बोल रहे हो तो इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। ये उन लोगों के ऊपर ट्रिब्यूट है जिनके ऊपर जो अननोन रहते हैं, दे आर द अनसंग हीरोज, ये उनके लिए ट्रिब्यूट। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इट इज़ नॉट टेररिज्म जो होता है वो कंट्री में नहीं होता, वो कुछ एलिमेंट होते हैं। टेररिज्म तो इंडिया में भी है, अमेरिका में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, पेरिस में है, पेशावर में है। तो ये कुछ लोग होते हैं वो टेररिज्म फैलाते हैं, कंट्री टेररिज्म नहीं रखता। हाँ जी बिल्कुल, इसके बारे में अगर बात की जाए तो बहुत अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को पता चलता है। और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी देखी इस फिल्म को, अडवानी साहब ने भी देखी इस फिल्म को, एंड एवरीबडी हैज लव्ड इट, एंड इट इज़ अ वेरी, इट्स अ मस्ट फिल्म फॉर एवरी इंडियन। और ये सही मौके पर आ रही है फिल्म। नीरज पांडे इज़ अ जीनियस, और मैंने उसके जैसा बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड रखने वाला इंसान और डायरेक्टर राइटर आज तक नहीं देखा है। बहुत अच्छे डायरेक्टर मैंने काम किया, हर एक की अपनी अपनी खूबी है, मगर इन टॉपिक्स को लेकर वो अजूबा हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम। मुझे लगता है अक्षय कुमार की ये बेस्ट परफॉर्मेंस है अपने पूरे करियर की। यस सर। और किसी भी इंटरनेशनल एक्टर से इसकी तुलना की जा सकती है। वो मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, उनके साथ काम करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मैं और उनका ग्राफ कमाल का है। जब मैंने अपने शो कुछ भी हो सकता मैं उनके बारे में उनकी ज़िंदगी के बारे में बात की थी तो कहां से कहां तक वो पहुंचे हैं, ये वाकई बहुत सराहनीय है। और वो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये जो हमारी ये फिल्म है बेबी, ये अनसाम्बल कास्ट की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। इसमें इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं, राणा, के मैनन, पाकिस्तान के तीन कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे सबके साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मेरा इनके साथ ज़्यादा काम नहीं है, मेरा सिर्फ अक्षय सर के साथ काम है, लेकिन अभी जब मैं प्रमोशन में उनसे मिल रही, अनुपम सर, आई थिंक ही इज़ वंडरफुल, मतलब कमाल के इंसान हैं, और उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब वो प्यार भरा मैसेज भेज देता है, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया फिल्म में कि आपका काम बहुत पसंद आया, तो उसमें मेरा दिन बन गया, मैं मतलब सफलता मिल गई, मतलब मुझे बॉम्बे में आके ऐसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनके उनका ये है कि वो रियलिस्टिक फिल्म्स बनाते हैं जो इंसान कनेक्ट कर जाता है। वो ऐसे ये नहीं कि एक एक डिशु मारा तो कहीं उड़ के जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत रियलिस्टिक है, जो जो लोगों को पसंद आता है। तो तभी तभी उनकी पिक्चरें भी चलती हैं, क्रिटिकली अक्लेम भी होती हैं और साथ साथ कमर्शियली हिट भी होती हैं। तो इसलिए उनके साथ काम करने को सबको मज़ा आता है और सब बस कोशिश करते हैं कि कोई भी रोल मिल जाए बस कर लें हम नीरज पांडे। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, और बहुत खुशी हो रही है कि ये जो इनिशिएटिव नवील तुली जी का है, इस आइकॉनिक जगह को, लिबर्टी सिनेमा को एक कल्चरल हब बनाने का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बम्बई को ऐसे कल्चरल हब्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत खुशी हो रही है कि ये जो लिबर्टी सिनेमा फिर से खुल रहा है वो इस फिल्म के साथ। सुना है कि बहुत ही अच्छी थ्रिलर बनी है, ये इंटरनेशनल क्वालिटी की थ्रिलर बनी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म लोगों को पसंद आए। कैसे आता है ये तो नहीं बता पाऊँगा, बस यही आता है और कुछ आता नहीं है। इंस्पायर्ड होते हैं कहीं से, आप फिल्म देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ तो होता है। बिल्कुल, आप जो जो चीज़ आपके आसपास चल रही होती है, जो आप पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उससे इंस्पायर्ड होते हैं, सीखते हैं। सो इवन वी ऑल्सो learn a lot from watching. I can't control perception, so there is nothing that I have to say in that regard, but as responsible people I think there is none of that. It's a very clean film.